नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल हियर जस्ट सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. Electronic configuration of the nitrogen molecule. If somebody asks you, what is the electronic configuration of the nitrogen molecule? So first of all, you have to consider how many electrons are present in the nitrogen molecule. So there are 14 electrons in the molecular nitrogen molecule. So how these 14 electrons are distributed in different molecular orbital? Just see here, this is the order of the molecular orbital depending upon the energy. The energy of sigma 1s, this is the sigma bonding molecular orbital, this is the sigma antibonding molecular orbital, this is the sigma 2s. When 2s atomic orbital of the two nitrogen atoms combined together, it gives a sigma molecular orbital and designated as sigma 2s. यह बताता है कि ये जो molecular orbital बन रही है 2s atomic orbital के combination से बन रही है and this is the antibonding molecular orbital formed by the linear combination of the 2s atomic orbital. Now after this, the energy of the bonding pi molecular orbital pi 2px, 2px it is the atomic orbital along x axis, p orbital along y axis, both for pi molecular orbital, and therefore they टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है सेम एनर्जी, तो ये इनकी एनर्जी बराबर है, इसलिए ये बराबर में दिखाया गया है. इसके बाद जो आता है वो सिग्मा 2pz आएगा. अब ये ऑर्डर मैंने आपको बता दिया कि सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम है, सिग्मा स्टार 1s की उसके बाद है, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2s की है, उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2s की है, इनकी एनर्जी बराबर है. अब ये 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हाउ दे आर डी, वेरी सिंपल. आप अप्लाई करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड के नियम के अनुसार ये हमने अरेंज कर दिया. अब कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन. तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, इस प्रकार से 2-2 इलेक्ट्रॉन चला गया. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. नाउ जस्ट सी the electronic configuration of another molecule ion. Suppose करिए कि nitrogen molecule से एक electron निकाल दिया जाए, एक electron निकल गया तो nitrogen molecule plus बन गया, 13 electron बचा. अब ये 13 electron का different molecular orbital में हम distribution दिखाएंगे. जैसे कि order वही होगा, आपबाव का सिद्धांत वही होगा nitrogen. एक चीज़ आपको हम बता दें कि 14 इलेक्ट्रॉन आपको हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल का ऑर्डर यही रहेगा, ये ऑर्डर रहेगा. लेकिन अब 14 इलेक्ट्रॉन के बाद अगर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है 15, 16, 17, मतलब ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन ले लो, तो ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जो कि हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे. और ये जो है यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रखा गया है, ये यहाँ नहीं होगा, ये 2pz जो है यहाँ आ जाएगा, ये इसके बाद चला जाएगा, फिर इसकी एंटी बॉन्डिंग आ जाएगी. सो वी शैल डिस्कस इट लेटर. तो अब हम इसका दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका कैसे होगा.
तो देश सिग्मा वन एस में दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा टू एस वन एस स्टार, दिस इज नॉट द टू एस बट इट इज द वन एस, दिस इज द वन एस, इसका बॉन्डिंग इसकी एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा वन एस टू, सिग्मा स्टार वन एस टू, सिग्मा टू एस टू, सिग्मा स्टार टू एस टू, पाई टू पी एक्स टू बराबर पाई टू पी वाई टू। तो ये सब में दो दो इलेक्ट्रॉन भर गया। अब आप देखो कि यहाँ पर आपको हमने दिखाया कि ये जो सिग्मा मालिकुलर ऑर्बिटल है टू पी जेड, टू पी जेड मालिकुलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन था। अब यह बाहरी कक्षा है, बाहरी मालिकुलर ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा। तो ये इसकी तुलना में यह ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आप देखोगे कि सिग्मा टू पी जेड में एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो इस प्रकार से आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका आप दिखा सकते हो। अब ये दूसरी बात आती है कि इसका जो है मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। जैसे आप देखो कि ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एन टू मॉलिक्यूल। तो समबडी आस्क यू वेदर नाइट्रोजन इज डाई मैग्नेटिक या पैरा मैग्नेटिक। तो आप सीधे ये देखो कि अगर सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सभी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यह डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ लिख भी दिया मैंने कि डायमैग्नेटिक ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप भी लिख सकते हो एक लाइन में कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक बिकॉज देयर आर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो एग्जैक्टली यर इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्लस आन कैटायन, जिसे आप कहते हो, ये कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपको डिस्कस कर दिया। लेकिन ये अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, जस्ट सी देयर इज ए वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर, टू थ्री फोर फाइव, ये जितने भी चाहे इलेक्ट्रॉन हों, ये सभी क्या बताएंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ेगा। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि कितना पैरामैग्नेटिक है, नो, हम ये पूछ रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। सो यू कैन एक्सप्लेन दैट दिस एन टू प्लस मॉलिक्यूल आयन इट इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट कंटेन्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द मैग्नेटिक बिहेवियर। सेकेंड थिंग बॉन्ड ऑर्डर, कि कितने बॉन्ड बनते हैं। अब आप ये देखो कि ये जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है इसमें कितने बॉन्ड बनते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आप एक फार्मूला आराम से लिख सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बी एम ओ माइनस ए बी एम ओ डिवाइडेड बाई टू। दिस इज वेरी सिंपल फार्मूला कि बॉन्ड ऑर्डर कितने बराबर होता है। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, बटे दो, दो से भाग देंगे तो ये आपका बॉन्ड की संख्या निकल जाएगी। आप जानते हो कि एटम से एटम कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। तो इसको हम कन्वेंशनल शब्दों में कहते हैं कि कितने बॉन्ड बने, तो बॉन्ड की संख्या कहते हैं, जिसको कि हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अगर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट इन द एन टू मॉलिक्यूल आयन और व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन एन टू मॉलिक्यूल, सो जस्ट सी हियर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस। तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द नाइट्रोजन यू कैन राइट हियर इट इज 10 माइनस
नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग 2, 2, 4 ओनली 4, सो 10 - 4/2 दिस विल गिव यू इक्वल टू 3. सो इन दिस वे वेरी इजिली यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. सो देर आर 3 बॉन्ड्स इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, सो यू कैन कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर. नाउ सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आयन. जस्ट सी हियर 2, 2, 4, 2, 6, 8 and 9. There are 9 electrons in bonding molecular orbital in N2 molecule ion and 4 electrons 4 electrons are present in antibonding molecular orbital. So 9 - 4/2 it is equal to 5/2. So therefore you can say there are 2.5 bond in the N2 plus molecule ion. And this molecule is paramagnetic, already I have said that. Now another thing, what is the molecular orbital diagram? Just see here.